हेलो स्टूडेंट्स इंटर क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शंस जो कि पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुका है आज केवल जितने भी इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन में फॉर्मले हैं उन सभी फॉर्मलों में से मैं कुछ फॉर्मलो का प्रूफ बताऊंगा जो फॉर्मले एक जैसे हैं जिनका प्रूफ एक ही बेस पे है उनमें से एक एक का मैं प्रूफ आपको बताता जाऊँगा और बाकी का प्रूफ आप जो है वो स्वयं हल करेंगे बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं मोस्टली हर साल एक क्वेश्चन फॉर्मुले के प्रूफ का पूछ ही लिया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बाय चांस अगर आप कोई भी फॉर्मुला भूल जाएं तो एक मिनट के अंदर आप इसको खुद डेवलप करके देख सकते हैं क्योंकि पूरी इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन फॉर्मले पर बेस है ये आपको पता चल ही गया होगा तो चलिए देखते हैं इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन के जितने भी फॉर्मले हैं उन सभी के प्रूफ जिन्होंने जिनके पास भी इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन के फॉर्मले ना हो वो इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लें और एक जगह सारे फॉर्मले नोट डाउन कर लें क्योंकि बहुत से फॉर्मले ऐसे हैं जो एनसीआर की बुक में भी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले फॉर्मले हम लोग हम लोगों ने पढ़े थे साइन इन्वर्स एक्स इक्वल कॉसिक इनवर्स वन अपॉन एक्स एक्स इक्वल सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स टेन एक्स इक्वल कॉट वन अपॉन एक्स या इसी का अपोजिट तो इन तीनों फॉर्मलो का प्रूफ एक ही ऐसा है मोस्टली हम लोग साइन कॉस टेन के लिए ही पढ़ते हैं बाकी अगर किसी का आता है तो इसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं तो चलिए पहला देखते हैं लेट इनवर्स तो एक्स इक्वल साइन इनवर्स इस साइड आया तो साइन ए हो गया तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई एक्स की हमें चेंज करना है कॉशेक में तो साइन ए की वैल्यू एक्स तो कौसेक एक ए की वन अपॉन एक्स टेक्नामेट्रिक में हम लोगों ने पढ़ा था तो एक्वल ये कॉसिक जब इधर आएगा तो कॉशिक इनवर्स वन अपॉन एक्स हो गया और ए हमने किसको लेट किया था साइन इनवर्स एक्स को तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल इनवर्स वन अपॉन एक्स यानी इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन के फॉर्मुलो को प्रूफ करने के लिए हमें टेक्नामेट्रिक फंक्शन के फॉर्मुलो की आवश्यकता पड़ेगी इसलिए वो हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान हो इसी तरीके से हम बाकी दो का भी प्रूफ कर सकते बिल्कुल सेम टू सेम नेक्स्ट फॉर्मुला था साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल एक्स टेन ब्रैकेट में टेन इनवर्स एक्स इक्वल एक्स या उल्टा इनवर्स बाहर और टेक्नामेट्रिक फंक्शन अंदर इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए पहले का मैं प्रूफ बता रहा हूं साइन इनवर्स एक्स को ए लेट कर लिया जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया था तो एक्स वैल्यू जब साइन इनवर्स इस साइड आएगा तो साइन हो जाएगा और ए तो साइन ए एक्स वैल्यू साइन ए अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स हमने क्या एलेक्ट किया है ए तो साइन और इसकी वैल्यू ए तो साइन ए और साइन ए की वैल्यू क्या है एक्स एक्स तो एल एच एस लिया LHS प्रूफ हो गया इसी बेस पे बाकी के दो भी प्रूफ होंगे या इनको प्रूफ करना है तो इनको भी इसी तरह से हम लोग प्रूफ कर लेंगे चलिए थर्ड फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टेन इनवर्स एक्स ये फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था प्रिंसिपल वैल्यू निकालना यानी मुख्य मान निकालना तो खासकर जो निगेटिव वाले थे वो इन्हीं फॉर्मुल से उनकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी इनके भी प्रूफ एक जैसे हैं पहला तीसरा एक जैसा है दूसरा थोड़ा सा अलग है वो मैं इसलिए मैंने पहला दूसरा बताया तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल ए ये हमने इसको ए लेट कर लिया माइनस एक्स ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो साइन ए हो गया तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस साइन ए इक्वल एक्स अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस साइन ए इक्वल एक्स हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा होता है तो अगर माइनस साइन ए लिखा है तो उसको साइन माइनस ए लिख सकते हैं टेक्नोमेट्री फॉर्मले से और इक्वल एक्स तो माइनस ए इक्वल साइन इनवर्स एक्स माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ए की वैल्यू आई माइनस साइन ए साइन इनवर्स एक्स और ए क्या है तो तो कॉस वाला थोड़ा सा अलग है इसलिए वो भी बता रहा हूँ शुरुआत वैसे ही है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल ए माइनस एक्स इक्वल कॉस इनवर्स ए माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का वहां था माइनस साइन ए तो उसको साइन माइनस ए लिख लिया क्योंकि sin minus theta, minus का sin theta होता है। लेकिन माइनस का नहीं लिख सकते है। तो फिर कॉस पाई माइनस ए यानी कॉस वन एट्टी माइनस टीटा माइनस का कॉस थीटा होता है तो माइनस कॉस ए को कॉस एक सौ अस्सी माइनस ए यानी पाई माइनस ए हम लिख सकते हैं तो पाई माइनस ए इक्वल कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स अब ए की वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस एक्स पुट कर दी इसको इस साइड लिया है इसको इस साइड लिया है तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स तो ये उससे अलग था इसलिए बता दिया टेन वाला वैसे ही है जैसे हम लोगों ने साइन वाला पढ़ा चलिए फोर्थ फॉर्मूला बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है जब मैंने 2005 में इंटर किया था उस साल भी ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था खासकर पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई टू सेक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू इन तीनों का प्रूफ एक जैसा पहला मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पहला वाला है शुरुआत वही साइन इनवर्स माइनस साइन इन्वर्स एक्स इक्वल ए तो एक्स इक्वल साइन ए अब हमें चेंज करना है कॉस में तो साइन ए को कॉस नाइनटी माइनस ए लिख सकते हैं भाई थीटा थीटा तो कॉस पाई बाई टू माइनस ए इसको हमने लिख लिया कॉस आए कॉस इनवर्स हो गया ए की वैल्यू साइन इनवर्स है पुट कर दी तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई टू बाकी जो दो हैं उनको भी इसी तरीके से प्रूफ किया जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी तरीके से समझ लीजिए चलिए आगे square square. दो फॉर्मूले एक साथ लिखे अगर यहां प्लस तो यहां बीच में प्लस यहां माइनस तो यहां बीच में माइनस बाकी ऐसे ही रहेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूड वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अगर यहां प्लस यहां माइनस यहां माइनस तो फिर यहां प्लस इसी तरह से टेन इनवर्स प्लस माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन वन माइनस प्लस एक्स वाई अगर यहां प्लस है तो यहां प्लस रहेगा और यहां माइनस अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस माइनस रहेगा और यहां प्लस रहेगा चलिए पहला वाला हम लोग सॉल्व करते हैं वो भी प्लस वाला सॉल्व करेंगे इन तीनों ही फॉर्मलों को प्रूफ करने के लिए हमें ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मले पता होने चाहिए साइन कॉस और टेन के चलिए तो हम प्लस वाला प्रूफ करेंगे साइन में हम जानते हैं नो दैट साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है पता है सभी को आप समझिए ए प्लस बी ये साइन इधर चला गया तो साइन इनवर्स और जितना था वो ब्रैकेट में हो गया ठीक साइन ए की कि हमने एक्स लेट कर लिया तो फिर ए की वैल्यू कितनी हो गई साइन इनवर्स एक्स साइन बी की आगे वाई लेट कर लिया तो बी की वैल्यू कितनी हो गई साइन इनवर्स वाई अब यहां कॉस ए कॉस बी भी तो है तो कॉस ए को हम क्या लिखते हैं रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखते हैं और साइन ए की वैल्यू एक्स तो कॉस ए की वैल्यू हो गई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरीके से कॉस बी को क्या लिखते हैं रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी साइन तो बी की वैल्यू कितनी है वाई तो रूट वन माइनस वाई स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई यहां लिख दी फिर साइन इनवर्स साइन ए किए गए एक्स कॉस बी किए ये कॉस ए की गए ये वैल्यू और साइन बी की गए ये वैल्यू रख दी ये हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मुला प्रूफ हो गया इसी तरीके से माइनस वाला प्रूफ कर सकते हैं तो साइन ए माइनस बी लेके चलेंगे इसी तरह से कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लेके चलेंगे कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए माइनस बी का टेन ए प्लस बी वाला तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ठीक इस तरह से हम लोग इनके प्रूव कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स टू एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर या फिर साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर या फिर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर ये सभी टू ए के फॉर्मूले से प्रूफ होंगे पहला वाला बताता हूं वी नो दैट साइन टू ए हम जानते हैं साइन टू ए का फॉर्मूला टू साइन ए कॉस कॉसे होता है तो टू ए बराबर साइन इनवर्स और टू साइन ए कॉसे साइन ए को एक्स लेट कर लिया एक की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स हो गई तो फिर कॉस ए की वैल्यू अंडर रूड वन माइनस साइन स्क्वायर है यानी रूड वन माइनस एक्स स्क्वायर ए की है साइन इनवर्स एक्स साइन ए की है गए एक्स और कॉस ए की जैसे ऊपर प्रूफ किया था वैसे बस हमें ये याद रखना है कि इसको प्रूफ करना कैसे है ठीक साइन टू ए का लेके इसी तरह से कॉस का लेके और ये टेन का लेके प्रूफ हो जाएगा तो जैसे अभी हम लोगों ने टू टाइम्स साइन इनवर्स एक्स का कॉस इनवर्स का प्रूफ किया उसी तरह से थ्री का तो थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मुला थ्री कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मुला थ्री टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मुला इनको प्रूव करने के लिए मैं थ्री ए के फॉर्मुला याद हूं तो इससे पहला पहला भी बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट वी नो दैट साइन ए इक्वल थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूबे हम जानते हैं कि ये होता है साइन थ्री ए का फॉर्मूला बस बिल्कुल ऐसे पीछे अभी सॉल्व किया तो थ्री ए साइन इनवर्स और थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूबे यहां पर केवल साइन है तो साइन एक्वल एक्स देन एक्वल साइन इनवर्स एक्स वैल्यू पुट कर दी एगन एस वर्स तो ही नहीं तो थ्री साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मुला प्रूफ हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है इसी तरह से थ्री कॉस इनवर्स एक्स थ्री टेन इनवर्स एक्स के भी हम प्रूफ कर सकते हैं चलिए अब बिल्कुल लास्ट फॉर्मुल पर हम आते हैं ये फॉर्मले यूज होते हैं साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना टेन इनवर्स में चेंज करना कॉस को साइन इनवर्स में टेन इनवर्स में टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में हम चेंज कैसे करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इनको जरूर फॉर्मुल को याद रखिएगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें ये फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे और एनसीईआरटी की बुक में कहीं भी ये फॉर्मुला आपको नहीं दिखेगा लेकिन अगर ये फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं लगेंगे अगर पिछले वीडियो आपने देखे हैं क्वेश्चन लगाए हैं तो आपको लगा होगा बहुत से क्वेश्चनों में इनकी आवश्यकता हमें पड़ी है तो हमें इन्हें याद भी रखना है उनका प्रूफ भी देखना है तो मैं एक बताऊंगा बाकी उसी बेस पे आपको लगाना है जैसे पहला साइन इनवर्स एक्स इक्वल ए एक्स इक्वल साइन ए अब हमें चेंज करना है कॉस इनवर्स में स्क्वायर किया साइन स्क्वायर को वन माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज किया कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू यहां से निकाली

की वैल्यू हम लोगों ने निकाली अब सेक स्क् वन को इस साइड लाके माइनस करके एलसीएम लेके तो एक्स स्क्न वन माइनस एक्स स्क्वायर तो टेन ए की वैल्यू तो एक्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ए की टेन इनवर्स और ए क्या है साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स का फॉर्मुला तो ये मैंने एक का प्रूफ बताया बाकी के प्रूफ आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं तो ये वीडियो थी जिसमें इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी फॉर्मले थे वो सारे फॉर्मले भी इस वीडियो में आ गए एक एक करके और उनके सभी के प्रूफ भी मैंने बता दिए जिनके प्रूफ एक जैसे हैं उनमें से एक एक का मैंने आपको प्रूफ बता दिया बहुत ही अच्छी तरीके से आप इनको तैयार कीजिए फॉर्मले भी याद रखिए और उनका प्रूफ करने का तरीका भी याद रखिए क्योंकि बहुत बार बोर्ड परीक्षा में फॉर्मले पूछ लिए जाते हैं जैसे पूछ लिया गया प्रूफ दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर तो बच्चे कहेंगे अरे ये तो फॉर्मुला है इसमें प्रूफ क्या करना तो प्रूफ करना है इस तरीके से प्रूफ करना है तो इसी के साथ इनवर्स टेक्नामेट्रिक फंक्शन जो हमारा चैप्टर था वो आज क्लोज होता है और अगर इस चैप्टर में आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत रह गई हो तो आप ज़रूर बताएं दूसरी चीज़ मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि इस समय जो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की स्थिति है कि बच्चे स्कूल तक नहीं जा रहे हैं स्कूल बंद चल रहे हैं बच्चों का लॉस हो रहा है इसलिए ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा सरकार की तरफ से स्कूल की तरफ से स्टार्ट की गई है मैंने भी अपनी तरफ से ये प्रयास किया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर एक चीज़ लिख के नहीं समझाई जा सकती है बोल के ही बताई जा सकती है इसलिए मैंने भी प्रयास किया कि आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आए जो भी उस चीज़ के बारे में बारीकी है उसको आपको समझ में आए जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो मैंने पूरा प्रयास किया कि किसी को कोई भी तरीके की दिक्कत न रह जाए अच्छी तरीके से चैप्टर समझ में आए आप भी ये फ़र्ज़ है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आपको सभी चीज़ समझ में अच्छी तरीके से आती है तो आप उसको लाइक करिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया नहीं समझ में आया तो आप उसको डिसलाइक करें ताकि ये पता चले कि इतने लोगों की समझ में नहीं आया और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बता सकते हैं या फिर ये मेरा व्हाट्सअप नंबर कॉलिंग नंबर है आप इससे पर भी संपर्क कर सकते हैं और जितने भी आपके जान परिचित आस के जो भी फर्स्ट ईयर इंटर में बच्चे हैं जिनके पास मैथ्स है आप उनको भी इन वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनको भी इसका लाभ मिले और उनको भी समझ में आए थैंक यू वेरी मच अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग किसी नए चैप्टर के साथ ऑल द बेस्ट